हेलो स्टूडेंट्स बेटा, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर क्या चल रहा था, 5, ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है, जो ना हर एक क्लास के लिए यूज़फुल है। आपको कोई भी आगे एग्ज़ाम दो बेटा आप, ठीक है, चाहे अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, सबके लिए आपको ये ज़रूरी है, आपको ये आता ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो बेटा, हम लीनियर पेयर के बारे में पढ़ रहे थे। लीनियर पेयर मैंने थोड़ी सी वीडियो लंबी होने के कारण वहीं पर छोड़ दिया था। एक्चुअली प्रॉब्लम आती है बेटा फिर वीडियो में। तब देखो बेटा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि दो अलग अलग रेज होंगी, अपोजिट साइड जाएंगी, एक रे तो उधर जाएगी, एक रे इधर जाएगी, और ये आर्म क्या होगी दोनों के बीच में, ये कॉमन आर्म होगी दोनों के बीच में, ये जो रे होगी ना वो कॉमन होगी, और सभी का ये वाला पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। एक एंगल उधर बनेगा, एक एंगल एंगल इधर वाली साइड बनेगा, ठीक है ना, एक एंगल इधर बनेगा, एक एंगल इधर बनेगा, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो इन दोनों एंगल्स का जो सम है, यानी कि इन दोनों एंगल्स का जो एडिशन होगा वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। इन दोनों एंगल्स का क्या एडिशन, वो किसके इक्वल आएगा भाई, वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। समझ में आई बात, मैंने क्या बोला कि दोनों एंगल्स का जो एडिशन होगा वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है ना। ये है लीनियर पेयर का सिस्टम, ठीक है ना, तो इसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरफ, ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब पहली बात तो ये एंगल्स बनते कब हैं, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो जाती हैं, इंटरसेक्ट मीनिंग एक दूसरे को कट कर देती हैं, ठीक है ना। जब दो लाइनें एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कट कर देती हैं, इंटरसेक्ट हो जाती हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि उन लाइंस को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोला जाता है, लाइंस तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी भाई, लेकिन वो लाइंस जो एंगल बनाएंगी उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलेंगे, ठीक है ना। वो लाइंस जो एंगल बनाएंगी उनको बोलेंगे हम कौन से एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये वाली एक लाइन है और ये वाली लाइन, ये जो आपको फिगर में दिख रही है ना, ये दोनों एक दूसरे को देखो इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, कट कर रही है ना। अगर मैं आपको रफ में बना के दिखाऊं तो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, इन दोनों ने यहाँ पे कट करा एक दूसरे को, ठीक है ना। तो अब ये चार एंगल बना रही है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है ना। तो ये चारों एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट। लेकिन लेने कैसे हैं आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसका भी एक मेथड है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से या अपने हिसाब से ले लो, इसको लेने का भी मेथड है, ठीक है ना। ये वाला एंगल, ठीक है, इस एंगल के इक्वल आएगा, ये दोनों इक्वल आएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा, ये इस एंगल के इक्वल आएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। इस एंगल को मैं एंगल वन का नाम देती हूँ, इसको एंगल टू का, यानी कि एंगल वन और एंगल टू इक्वल हो जाएंगे, आमो सामने एक दूसरे के सामने होने चाहिए, और बिल्कुल उतना ही एंगल होना चाहिए जितना इधर है। ऐसा नहीं है कि ये एंगल आधा है, ठीक है ना, और ये आप बोलोगे कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, नहीं भाई ऐसा नहीं, जितना एंगल यहाँ पे उतना ही एंगल यहाँ पे होना चाहिए, तभी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे, छोटा बड़ा नहीं हो सकता एंगल, ठीक है ना। ये जितना ये उतना ही ये, ठीक है ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, ठीक है ना, जितना ये उतना ये, ठीक है ना। और कभी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल में इसको इसके इक्वल मत कर देना, इसको इसके इक्वल मत कर देना, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला हमेशा अपोजिट इक्वल होंगे, ठीक है ना, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। एंगल वन और एंगल टू इक्वल हो जाएंगे, एंगल थ्री और एंगल फोर इक्वल हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में, ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं एक्यूट एंगल की तरफ, ठीक है ना। एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से क्या हो, छोटा, उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। वो एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा, ये देखो ये 90 डिग्री से छोटे हैं ना, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये 90 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है ना।
तो ये क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल्स। तो वो एंगल जो 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे, उनको हम कौन से एंगल बोलते हैं भाई, उनको हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑब्ट्यूस एंगल की तरफ। ठीक है ना, किसकी तरफ, ऑब्ट्यूस एंगल की तरफ। तो वो एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है ना, वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाता है। ठीक है ना, एग्जांपल क्या है, ये देखो 120 डिग्री। अब आगे है राइट एंगल, एंगल जो 90 डिग्री का हो, एंगल जो कितने का हो, 90 डिग्री का हो एग्जैक्ट, उसको बोलते हैं राइट एंगल। उसको क्या बोला जाता है, राइट एंगल। वो एंगल जो 90 डिग्री का है उसको राइट एंगल बोला जाता है। एग्जाम्पल ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोला जाता है। आगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जो एंगल 180 डिग्री का एंगल बनाए, जो ये देखो लाइन की तरह ही होता है, सीधी लाइन ही होती है, कोई भी सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे ये सीधी लाइन, इसके ऊपर भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ये सीधी लाइन इस तरीके से खींच लो, इसके ऊपर भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब इसको स्ट्रेट लाइन एंगल बोला जाता है। जो जिस लाइन के ऊपर 180 डिग्री का एंगल बने उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं। ठीक है ना, या फिर स्ट्रेट एंगल। तो ये कुछ टाइप्स के एंगल थे बेटा जो आपको समझाने बहुत ज़रूरी थे। ठीक है, क्योंकि ये बेटा हर एक क्लास में यूज़ होते हैं, ओनली यहीं पे यूज़ नहीं होते, और वैसे भी आप इसके नॉलेज के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है ना, इसके नॉलेज तो आपको हर वक्त रहनी ही चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, तभी आप दूसरों को समझाओगे बेटा, अगर आपको आते होंगे। ठीक है ना, तो ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में ना हम आपकी एक्सरसाइज जो है वो करेंगे, और आप ही से क्वेश्चन पूछूंगी मैं, वीडियो पोस्ट कर करके आप मुझे उसके आंसर देना। ठीक है, तो मज़ा आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको एक वीडियो की तरह लो, इसको एक क्लास की तरह लो, मज़ा लो। ठीक है ना, पहले मैं 10 सेकंड रखूँगी, फिर आप उसका आंसर दो। ओके बेटा, थैंक यू।